society, so that poverty, or हमारे भाइयों माता शक्ति. हम आज यहाँ पर दीपावली का पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं. समय बहुत कम है, मैं इसलिए प्रयत्न करूंगा कि अपने शब्दों को सीमित समय तक रखूं. पर्व किसे कहते हैं? संस्कृत में पर्व कहते हैं जब एक गन्ने की गांठ को पर्व कहते हैं, जो हर एक लगभग 4 से लेकर 6 इंच के बाद आती है. और अगर किसी गन्ने में पर्व ना हो तो वहां मिठास नहीं होती. बस जिस संस्कृति में पर्व ना हो वहां मिठास नहीं होती. और एक पर्व की और विशेषता भी है, पर्व के आगे और पीछे, पहले और बाद में दोनों तरफ रस होता है. और हम अपने पर्व को इस तरह से मनाएं कि हमारी जिंदगी में हर तरफ से पहले भी और बाद में भी रस जुड़े. अभी शास्त्री जी बता रहे थे 1883 की वो रात, घोर नास्तिक गुरुदत्त विद्यार्थी स्वामी जी के कक्ष में है. उसने नास्तिकता के ऊपर बहुत बड़े बड़े व्याख्यान दिए. लाहौर आर्य समाज के कुछ पदाधिकारी ने बताया कि स्वामी जी कुछ अस्वस्थ चल रहे हैं, तो आपको वहां जाना चाहिए. स्वामी जी वहां पहुंचते हैं, स्वामी जी के पास गुरुदत्त जी पहुंचते हैं, वो उनके मुख का तेज देख रहे हैं. कई बार ऐसा होता है कि हमें आस्तिकता और नास्तिकता के ऊपर 100 ग्रंथ भी पढ़े हो तो वो सब व्यर्थ जाते हैं जब हम उसका प्रत्यक्ष देखते हैं कि इस प्रकार एक व्यक्ति मृत्युशैया पर पड़ा है और उसके मुख पर ओझ है. पंडित गुरुदत्त अपनी लेखों में लिखते हैं, अपनी पुस्तकों में लिखते हैं कि उस तेज और ओझ को देखकर मैं इतना अभिभूत हो रहा था कि मुझे लग रहा था कि अब आस्तिकता की सारी लहरें मेरे अंदर किलोरे ले रही हैं. और स्वामी जी जब अंतिम समय में ये कह रहे हैं कि तेरी इच्छा पूर्ण हो, देखिए उसने अपने वेद के मंत्रों को किस तरह से आत्मसात कर लिया. हम यहां पर स्टेज पर, मंच पर अलग अलग तरह के लेक्चर देते हैं, कभी नारी शक्ति के ऊपर, कभी दलित के ऊपर, लेकिन हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जीरो होता है. और जो व्यक्ति मृत्युशैया पर पड़ रहा हो, उसके मुख से जो चीज निकल रही हो वो वेद के मंत्र का सार है, तो देखिए उसने वेद को, इस भारतीय संस्कृति को कितना अंदर तक जिया होगा. आप रोज टीवी पर, समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपर में देखते हैं किस तरह से अलग अलग यहां डेरे और बाबे उठते हैं. और कई कई तो ऐसे हैं जिनकी अगर जमीनों की रजिस्ट्रियां भी देखा जाए तो उनके लिए 2-4 ट्रंक भी कम है. और वो व्यक्ति जब मृत्युशैया पे है अपने 1 और 2 दुशाले अपने साथियों को दे रहा है. उसके नाम पर कोई भवन नहीं है, उसके नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है. ऐसे थे हमारे ऋषि दयानंद. सामाजिक क्रांति की बात देखें, दलित की बात देखें, तो पहला समाज सुधारक ऋषि दयानंद. नारी शक्ति के लिए अगर नारी शिक्षा की बात देखें तो अकेला संत ऋषि दयानंद. दलित को उद्धार करने के लिए, मंदिरों में प्रवेश दिलाने के लिए और यह बताने के लिए कि यह जातिगत वर्ण, यह जातिगत नहीं है, यह वर्ण व्यवस्था है शूद्र, उनको गले लगाने के लिए अगर कोई एक मसीहा सामने आता है वो ऋषि दयानंद. सनातन पौराणिक के कुंभ माने जाने वाले, किला माने जाने वाले वाराणसी और काशी पर अगर वहां की चीजों पर प्रहार करते हैं हमारे अपने उस कुरीतियों के ऊपर, तो एक ही बंदे का नाम आता है, एक ही महर्षि का नाम आता है, वो ऋषि दयानंद. राजनीति की बात देखें, हमारा देश जो उस समय अंग्रेजों की गुलामी कर रहा था, तो अकेला आर्य समाज, उन्होंने एक ऐसा आंदोलन बना के सामने रखा कि हजारों के
हजारों लाखों के लाखों लोग इस आर्य समाज में आकर इस देश को आजाद कराने के लिए इसकी आहुति में अपने आप प्राणों को निछावर करने के लिए तैयार हो गए। धार्मिक क्रांति की बात देखें, वेद को हमारे विश्व में सबसे प्रमुख ग्रंथ का दर्जा देने वाले हमारे ऋषि दयानंद, और हम आज इस पर्व पर, जैसे मैंने बताया कि हम एक मिनट के लिए मौन होकर उनकी शिक्षाओं को सामने रख ले तो हमें समझ लीजिए कि हमारे आज की सारी समस्याओं का निराकरण हो सकता है। अगर आज हमारे सामने आतंकवाद का मुद्दा उठता है तो ऋषि दयानंद ने कह दिया, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने यह कहीं नहीं लिखा कि हिंदू का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने यह कहीं नहीं लिखा कि मुसलमान का उपकार करना या ना करना ही इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। ऐसे तो ऋषि दयानंद, मेरा बेटा पूछता है कि अगर किसी और गुरुओं ने अपने डेरे बनाकर किसी का नाम दीक्षा कर रहे हैं तो स्वामी दयानंद ने ऐसा क्या कर दिया? स्वामी दयानंद ने खुद कहा कि मेरे बाद मेरी बुत परस्ती ना करना, मेरी मूर्ति पर हार मत चढ़ाना, मेरी चित्र पर मारा ना देना, बल्कि मेरे चित्र के ऊपर अगर आपको एकमात्र कोई चीज नजर आती है तो उसको अपने जीवन में ढालने की कोशिश करना। मैं आप सबसे, सब धर्मों के जितने भी यहां पर मुख्य प्रचारक हुए हैं, किसी भी व्यक्ति में इतना साहस नहीं था जो अपनी लिखी हुई चीज के ऊपर कह दे कि आज के 100 वर्षों के बाद, आज के 2 वर्षों के बाद अगर आपको कोई गलती नजर आती है तो आप 10 व्यक्ति इकट्ठे हो और उसमें संशोधन कर दे। आज तो एक एक लफ्ज के ऊपर जिहाद उठ पड़ता है, और ऐसे स्वामी दयानंद जिन्होंने हमें ऐसी जीवन शैली दी। हम आज अपने आप को सुधारने का प्रयत्न कर ले तो हम ऋषि दयानंद के ऋण से उड़ीन हो सकते हैं। हमें नहीं चिंता इस समाज की, अपने आप में अपने घरों में ऐसी क्रांति ला दे। जब हम बात करते हैं घरों में, हमारे घरों में अगर हम आज अपने 5 मिनट का समय निकालकर अपने बच्चे की समस्याओं को सुने, उनको समझे, उनको समय दे, तो समझ लीजिए हम अपने घर में रोज दिवाली मना रहे हैं। अगर आज आप अपने घर में अपने पति और पत्नी आपस में बैठकर इतने मधुर्य के साथ अपने दैनिक समस्याओं का निराकरण कर सके तो समझ लीजिए हम रोज दिवाली मना रहे हैं। अगर आज हम अपने घर में अपने बूढ़ों को सेवा और शुश्रूषा, उनको सुनने का काम करें तो समझ लीजिए हम अपने घरों में रोज दिवाली मना रहे हैं। हम अपने इस घर में अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ अगर समय दान देते हैं, आज हर व्यक्ति संपन्न है, हर व्यक्ति के पास पैसा है, और जो गरीब से गरीब है वो भी अपने बच्चे को पढ़ाता है, अमीर से अमीर भी पढ़ाता है, लेकिन फर्क आता है बच्चों को समय देने में, बड़ों को समय देने में, पति पत्नी को समय देने में। तो आइए हम इस पर्व पर अपने परिवारों को जोड़ने की कोशिश करें, और कम से कम इतना जरूर करें कि हमारे घर से जिस ऋषि दयानंद ने हजारों चीजें कही, हम एक भी चीज का, एक भी नियम का अपने घर में पालन कर ले तो हमारे घर स्वर्ग हो जाए, हमें रोज दिवाली हो और हमारे पर्व के पहले और पीछे दोनों तरफ विकास हो। और अंतिम बात, महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि सारे वेदों का सार में अगर एक भी मंत्र हम अपनी जिंदगी में धार लें तो हमारे ऋषि दयानंद के ऋण से उड़ीन हो सकते हैं। एक यजुर्वेद के 40वें अध्याय का मंत्र, जिसे ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र है, ओम ईशावास्यमिदं यत् किंचन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन मुञ्चिताम् मा भृतकस्य स्वित्रम्। मैं इसकी व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि समय कम है, लेकिन इतना जरूर करूंगा कि अगर हम अपने कर्म कर्म में ईश्वर को मानते हैं तो हमें किसी के लिए भी कोई भी पाप कर्म करके पर्दे से पीछे छूटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सच्चा आर्य होगा उसको पता होगा कि जिस दीवार के पीछे कोई नहीं देख रहा वहां भी मेरा